अरे यार पैसा कितना बास मार रहा है। बास आने से कीमत तो कम नहीं होगी ना। ला दे, आजकल बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। हाँ, ज्यादा ही बोलूंगा। तू पहले अपना चाय बना, साथ वड़ा और साथ स्पेशल टी। क्यों मनोज, पैसे ज्यादा हो गए क्या? अरे इसीलिए तो पार्टी दे रहा हूँ मैं। हाँ तू तो धन्ना सेठ है ना। देखो इसका हुलिया, इसका नाम गणेश, इसके बड़े पेट की वजह से पड़ा है। अरे चुप बैठ यार, इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कई हफ्तों से नहाया ही नहीं। माँ बाप ने ऐसी शक्ल दी तो क्या करूँ, मैं तो आदत से मजबूर हूँ भाई। अरे मुझे तो मेरे माँ बाप का पता नहीं, मेरा नाम भी किसने रखा क्या पता। बचपन से हो संभालने तक लोग मुझे हमेशा कामचोर, निकम्मा इन्हीं नामों से बुलाते आए हैं, मैं तो इनसे खुश हूँ। अरे अपुन को आज तक नहीं पता कि अपना नाम मनोज किसने रखा है। भाई जिसने भी रखा है अच्छा रखा है, मगर आज तक इस नाम से कोई बुलाया ही नहीं। अरे काम भले कुछ भी करो लेकिन नाम तो हीरो का है ना। अरे भाई तू चाय देना यार। अरे काका इस उम्र में आप इतना काम क्यों कर रहे हो, थोड़ा टाइम घर पे दो। घर पे टाइम दो वो क्यों दो? चाय हफ्ते भर कचरा उठाता फिरता हूँ, फिर हफ्ते के अंत में उन्हें बेचता हूँ, दो पैसे आते हैं बीवी को देता हूँ, बीवी उनसे दाल चावल खिलाती है, घर पे बैठ जाऊंगा तो तू खिलाएगा क्या? अरे भाई इसको घुमा के क्यों देख रहा है? क्या है कि पैसे तुमने दिए हैं ना तो हमें इसे बांट कर खाना चाहिए ना। ये वाला तुम लो, ये बड़ा वाला तुम ले लो। अपुन को पता है तेरे को बड़ा खाना है, आज के दिन तो बड़ा वाला ही खा ले। ए चाय में कितना पानी मिलाता है। सही कहा कविता, इसके बाद अच्छी चाय पिलाएगा ये। अरे चलो भाई लोग, माल भी पहुंचाना है, बहुत देर हो रही है। चलो 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 चलो, 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 चलो। सुन भाई चाय वाले, आज से पानी में दूध मत मिलाना, दूध में पानी मिलाना। अरे अपना उधारी तो चुका है। अरे भाई दे दूंगा, भाग के थोड़ी जा। अरे वो क्या है ना, अरे उठा उठा। ए सामने क्या कर रहा है, हट यहाँ से। देख रहा है आजकल भिखारियों के तेवर भी ना। क्या हुआ? क्या भिखारी बोला? दिन भर यहाँ बैठता हूँ तब जाके 500 कमाता हूँ। हम लोग दिन भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तेरी तरह भीख मांगकर पैसे नहीं कमाते, समझा? ए भीख मांगता तो मेरे पर ताव दिखाई तो क्या? रुक जा मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। विशाल को फोन दे। हाँ विशाल भाई, यहाँ कचरा उठाने वाले भिखारियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप तुरंत अपनी BMW गाड़ी निकालिए और यहाँ 13 नंबर जफर रोड पे आ जाइए। जल्दी आ जाइए। रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा। ये क्या कर रहा है, ये सब क्या है, कौन हो तुम लोग, इस एरिया में आकर लफड़ा कर रहे हो? ये कचरा वाले मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। पैसे के लिए बड़े बड़े लोग झगड़ा करते हैं तो फिर तुम कौन हो? तुम यहाँ बैठकर भीख मांगते हो ना, इसे देखो, ये बिना मेहनत के पैसे कमा लेता है और तुम लोग पूरे शहर में कचरा चुनते रहते हो। तुम लोग अपना अपना काम नहीं कर सकते, ऊपर से झगड़ा करते हो, शांति से नहीं रह सकते क्या? ए कल मैंने 4 चाय पी थी ना, उसके पैसे दे दे। तुम लोग सीधा राम मंदिर में पहुंचो, वहाँ के प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। बड़ा आया किसी को बुलाने वाला, वैसे भी मेहनत की कमाई के पैसे ही टिकते हैं। हाँ, उसके पैसे नहीं टिकते हैं। इन लड़कों में जिसने पीली पैंट और लाल टी शर्ट पहनी है उसका नाम मनोज है, उसके पीछे जो मोटा लड़का खड़ा है सर उसका नाम गणेश है। बस करो सर, अपन थोड़ी ना रेडियो पे गाने सुना रहे, विजुअल तो दिखा रहे ना सर, पब्लिक बहुत समझदार है सर, सब समझ जाते। ए जरा जल्दी लोड करो ना, मुझे 3 बजे से पहले माल पहुंचाना है, तुम लोग जल्दी से लोडिंग करो ना। ठीक है जा अंदर से पैसे ले ले। अगला कौन है, जल्दी से आ गया हो। ए जरा संभल के। हाँ, हाँ। चल जल्दी ले लो भाई आज का सामान। बोरी को छोड़कर 20 किलो हुआ। सही है आज की बोरी बढ़िया हो गई। तेरी थैली तो खाली लग रही है, इसका वजन भी बहुत कम है। अरे क्या सब आप भी, तेरे सिर्फ 50 रुपए हुए। जाना दिमाग मत खराब कर। ये लो भाई मेरा देख लो। क्यों रे, प्लास्टिक और कांच सब अलग अलग करके रखा है ना? रखा है भाई, चाहो तो अंदर चेक कर लो। अंदर जाकर पैसे ले ले। ये लो बेटी 350 रुपए हुए। जाओ। अच्छा काली, हाँ। ये रहे तुम्हारे 200 पहले के और 300 जो पहले, हाँ, के थे वो काट लिए। ठीक है, ये लो तुम्हारे 2 दिन के पैसे। क्या साहब, दिन भर मेहनत करके खाली 100 रुपया मिलता है, इतना पैसा में कैसा चलेगा साहब? जब तक तुम्हारी दादी थी वो 4 घर काम करके तुम्हें पाल पोस रही थी, दादी के मरने के बाद ही तुम इस काम पर आए हो। अच्छा मटेरियल ढूंढ कर लाओगे तो ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी जाओ। क्या महेश, आज तो बहुत माल लाया है भाई। इंग्लिश पेपर और प्लास्टिक सब एक साथ है, देख लेना आज भी वजन उतना ही होगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा हर दिन 65 किलो ही कैसे होता है? वो क्या है ना कि मैं सिर्फ अपने एरिया का माल लेता हूँ, मुझे पता है कितना होगा, बाकियों की तरह इधर उधर का माल नहीं लाता मैं। पूरे 65 किलो वजन तो सही है ना? 450 रुपए। हाँ। ये लो 50 रुपए वापस करो। अब 50 रुपए कहाँ से दूंगा, कल के हिसाब से काट लेना, ठीक है ना साहब? इतना संभाल कर इसे क्यों ले जा रहा है? अपना सामान भगवान के जैसा होता है। सुनो शर्मा जी के यहाँ एक ट्रक भर के सामान भेजना है, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। हेलो 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 साहब, यहाँ सिग्नल नहीं मिलता है, यहाँ से जरा दूर जाके बात कीजिए ना। हेलो पापा, जल्दी बाहर निकाला करो, मेरा दम घुटता है, मुझे मेरे दोस्त को फोन भी करना था।
वो यहाँ का मालिक सामने खड़ा था ना, उसके सामने मैं तुम्हें कैसे निकालता? वो गया तो तुम्हें निकाल लिया। अच्छा बेटा, अब तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी से, और फिर बाहर वाले गेट से अंदर आ जाना, ठीक है? जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, ये हमेशा सिग्नल की प्रॉब्लम क्यों होती रहती है? साहब, मेरे पापा अंदर है क्या? अंदर ही है, जाकर मिल ले। हेलो। अरे बेटा क्या? पापा, माँ ने घर पे बुलाया, जल्दी चलो। हाँ, तुम्हारी माँ मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती है। सेठ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। चलो बेटा, तुम्हारे लिए बन मस्का खरीदूंगा मैं रास्ते में। हाँ, ज्यादा ही प्यार दिखा रहा है मेरा अच्छा बेटा। चलते हैं सेठ जी। ठीक है, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वजन तो मैं बराबर करके सबसे लेता हूँ, फिर लोडिंग में कम कैसे हो जाता है? हेलो मेरी जान, आई कम वेरी सून, जल्दी आ रहा हूं भाई। अरे भाई, ये सब क्या है? मेडिटेशन एंट्रेंस इक्विपमेंट्स। नहीं समझा? नहीं समझा। ज्ञान के लिए ज्ञान का सागर है ये। बॉस, इस सब के लिए पैसे कहाँ से आए? अच्छा सवाल है। आज सुबह 5-star होटल में अपने दोस्त से मिलने गया। मैंने उससे कहा हाउ आर यू, तो उसने कहा एकदम झकास हूँ। उसने 3,000 निकाले और मुझे कहा रख लो, ओके अब तुम एंजॉय करो, हैव अ ड्रिंक। सुपर बॉस। क्यों बॉस, तुम्हारे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं, मुझे बताया नहीं। ए, मुझे तो 3,00,000 देने वाले भी दोस्त हैं। अपन को तो कोई 100 रुपया भी नहीं देता। ए, लक्ष्मी माँ, अरे आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप सबको रोज का 400-500 देती है। अरे मुझे कम से कम रोज का 100 रुपया तो दो। अरे टेंशन मत लो मनोज, अगर तुम अच्छा मटेरियल ढूंढ के लाओगे ना तो 400-500 रोज मिलेंगे, मैं मदद करूंगा तेरी। आया बड़ा मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कचरा उठाते हो ना तो सोशल वर्क छोड़ो। तुझे क्या परेशानी है? ए, अब ध्यान से सुनो, किसी अमीर आदमी को पकड़ कर उसके यहाँ नौकरी करेंगे और आराम से सेटल हो जाएंगे, वरना जिंदगी भर दूध का प्लास्टिक, रद्दी का पेपर, प्लास्टिक का कचरा, ये सब ढूंढते रह जाओगे। ए, क्या हुआ, सब घूर क्यों रहे हो? ए, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे अगर हम 10 रुपए का रिचार्ज करते हैं उसमें भी 3 रुपए कट जाते हैं, पर जब अमीर आदमी 500 का रिचार्ज करता है तो उसे एक्स्ट्रा टॉक टाइम मिलता है, पता है तुम लोगों को? ए, इससे पहले कि माल गर्म हो जाए सब लोग जल्दी जल्दी पी लो। क्यों बॉस, माल इतना अच्छा है क्या? एक बार पीकर देखो, ऐसा लगेगा अमृत पी रहे हो। हे, पार्सल रेडी है क्या? कुछ बाकी तो नहीं है ना? ए सुबू, एक प्लेट चिकन बिरयानी देना। देता हूँ साहब। अरे जरा मसाला अच्छी तरह से डालना और फ्राई भी अच्छी तरह से करो। हाँ, हेलो, कहाँ पर हो सर? यहाँ इंस्पेक्टर साहब चिल्ला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? पता है ना, पैग मारे बिना राउंड पर नहीं निकलते वो। ठीक है, आ रहा हूँ। ये तो मेरे ही माल पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसा है, आपको ढूंढ रहे हैं। अरे यार, किसी ने पूरे खाने पर ही हाथ साफ कर दिया। ए शिवा, तूने तो पुलिस वाले के ऊपर ही हाथ मार दिया यार। अरे चाचा, आम आदमी को लूटना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस वाले को लूट रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। आज चिकन बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, पुलिस वाले का खाना है ना, इसीलिए टेस्ट कुछ ज्यादा ही है। आज तो पीने के साथ चिकन फ्राई खाने में बहुत मजा आ रहा है यार। ये कीमा चौधरी चाचा के यहाँ का है, बहुत टेस्टी होता है उनका कीमा। ए मनोज, खाना? मुझे नहीं चाहिए। ए, तू नहीं खाएगा तो बाकी खा के सब खत्म कर देंगे। और तू खा क्यों नहीं रहा है, कोई व्रत है क्या? तू आजकल बहुत पूजा पाठ करने लगा है क्या? तू नहीं ना? खाना यार। ए, चिकन इधर दे। ये क्या पूजा करेगा? और हीरो, लगता है आज तेरी हीरोइन नहीं आई।
ए, इसका मामला तो फिट हो गया यार, अब खाली शादी ही करनी बाकी है। लड़की का मामला हो चाहे सेलफोन का मामला हो, बात एक ही होती है, थोड़ा लेट करेगा ना तो लेटेस्ट मॉडल मिलेगी तुझे, एक्सपीरियंस है यार। ए, सेल फोन की बात हो या लड़की की बात हो, ये दोनों ही सिर दर्द होती है। अरे ये दे जरा। अरे भाई मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ए, लेना। अरे यार यहाँ बहुत मच्छर है यार, चल कहीं और चलते हैं ना, चल आराम से सोएंगे कहीं और। आजा उठना, अरे उठना यार, अरे यार सोता रहता है, मच्छर इसे नहीं काट रहे क्या? अरे कोई उठाए यार इसे, सोने दे मनोज को, उठ करके खुद ही आ जाएगा। हाँ चलो इसको सोने दो। चलो शॉपिंग मॉल, अरे वही पे जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिग्नल के पास। सिग्नल के पास 300 रुपए होंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं चलेगा। पहली बार ऑटो में बैठ रहे हो क्या? हाँ हर बार मैं अपनी कार से ही जाता हूँ, मगर इस बार सोचा कि ऑटो से चला जाऊँ। हाँ हाँ बस यही यही, हाँ हाँ यही, रोक दो यही है यही है। कितना हुआ? कहाँ ना 300 रुपए हुए। ये लो। ठीक है भाई। सर क्या चाहिए? कोट चाहिए। कोट चाहिए? हाँ, नीचे है सर। हाँ चलिए इधर आइए सर। हाँ ये सब लेटेस्ट मॉडल हैं, आपको जो चाहिए पसंद कर लीजिए। सर ये लेटेस्ट मॉडल है। हाँ ये वाला। हाँ ये लीजिए सर। हाँ लगता है ये मुझे आ जाएगा। कितना हुआ? 13,000 ओनली। तो ये होता है 5-स्टार होटल। हाँ चांदी का है क्या? ये क्या है? मेन्यू कार्ड सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? नहीं मैं नहीं समझा सर। आपको जो चाहिए आप इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। ओह अरे यहाँ तो सब सफेद पेन से लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा होगा। हाँ ये लेके आओ सर। वो साहब हमारे जनरल मैनेजर हैं, आप उन्हें नहीं खा सकते, आप कुछ और बताइए मैं वो ले आता हूँ। ओह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। इसका कलर बहुत अच्छा है, एक ये लेके आओ। एक प्लेट मुगल बिरयानी, और कुछ चाहिए सर? हाँ एक ही, इतना ही बस। ओके सर, सैलेड्स चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही लेके आओ। ओके ठीक है सर, मैं लेके आता हूँ। जरा ज्यादा लेके आना। ये है ब्रांडेड शूज। बात वो नहीं है, तुमने शूज उल्टी पहन रखी है। फैशन? कौन सा फैशन है ये? हाँ दीजिए दीजिए। ये हो गया,
ये ले जाइए, ये भी। सर सर, वो फिंगर बोल है सर, हाथ धोने के लिए। एक और लेके आओ। सर आप ये ऑर्डर नहीं कर सकते, ये हाथ धोने के लिए है। मैं बाहर हाथ धो लूंगा, अब लेके आओ ना। धत, सिर्फ क्लोज आदमी के साथ ही डील करता है ये सुसाई, बाकी लोगों के साथ फील करता है। वैसे भी स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, टायरलैंड, ये क्या बोल रहे हैं, युगोस्लाविया, मित्सुबिशी, इन सब जगहों पर मेरे सीक्रेट एजेंट बैठे हैं। बड़े बड़े वीआईपी मुझे पैसे देते हैं, उन्हें मैं लेकर बैंक में डिपॉजिट करता हूं। और मेरा एक उसूल है कि मैं 5 पैसे भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। मेरे पास पैसे है, मैं लेकर के आता हूँ आपके पास। ओके थैंक यू, मुझे कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट वीआईपी भाई, कैश में बाहर निकल के देता हूँ। सर आपको पेमेंट यहीं करना होगा। ठीक है फिर ले आओ। ज्योतिष शास्त्र कोई आज या कल का शास्त्र नहीं है, हमारे दादा परदादाओं के जन्म के पहले सिद्ध लोगों द्वारा बनाया गया वैज्ञानिक शास्त्र है। कितने भी युग बीत जाएं और कितने भी विज्ञान आ जाएं, पर इस विज्ञान को कोई भी बैठ जाइए। इसके आगे मैं बताता हूँ, आज आप लोगों में से कुछ लोग, नहीं असल में सभी लोग बिना गहराई से ही पढ़े लिखे पैसे के लिए ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं। इसी वजह से लोगों का विश्वास ज्योतिष शास्त्र से उठता जा रहा है। इसी वजह से हमने संघ की बैठक बुलाई और सबका निर्णय है कि परीक्षा ली जाए। आप लोगों में से कितने लोग ओरिजिनल हैं, कितने डुप्लीकेट हैं, ये परीक्षा में पता चल जाएगा। सभी लोगों को एक एक कुंडली लिखने के लिए दी जाएगी, कॉपी करने की कोशिश मत करना। यार हम लोग गाइड बुक रख के एग्जाम दे सकते हैं ना? पूछता हूँ शास्त्री जी, हम लोग गाइड बुक रख कर एग्जाम दे सकते हैं ना? मुकेश, इस बेवकूफ को यहाँ से बाहर लेके जाओ, ये सब ज्योतिष बन के क्या करेंगे? पता नहीं इनका भविष्य क्या होने वाला है। किसी को और कोई संदेह हो तो पूछ लो। अरे भाई ये इतना बोल रहे हैं, इन्होंने कभी परीक्षा दी हो? सही कहा मित्र। गुरु जी क्या है, आप लोगों ने भी ऐसी परीक्षा दी थी क्या? अभी मैंने एक को बाहर भेजा है, तू बैठ के लिखेगा या बाहर जाएगा? श्री गणेशाय नमः, गुरु शनि राहु, तो फिर योग होगा। कार्तिक माह के मेष राशि के हिसाब से इस कुंडली वाले के नाम का पहला अक्षर ई होगा। सही है। इलंगो, एक नाम लिया तो तीन लोग खड़े हो गए। पेंसिल से जिसने एप्लीकेशन लिखा वो कौन है? सर मैं हूँ सर। बॉस 5 रुपए हैं क्या? 10वें स्थान का पर्वत ऊंचा है, और यानी कि ये कुंडली वाला किसी के नीचे काम नहीं करेगा, खुद का बिजनेस करेगा, एक पांव पे खड़ा रहेगा। क्या बोलना चाहते हो खुद ही बोल दो। सर वाइन शॉप की यूज की हुई बॉटल्स है ना सर, तो उनके स्टिकर्स निकाल कर उन्हें क्लीन करके वापस नया बनाने के लिए हम मशीन ले रहे हैं सर। ये तो हाथ से भी किया जा सकता है ना सर, इतने दिनों से हम ऐसे ही तो करते आ रहे हैं। अपने देश के लोग कितनी स्पीड से बोतल खाली कर रहे हैं, उसी स्पीड से हाथ से बोतल धोना नहीं होता, इसलिए मशीन लेना चाहते हो? करेक्ट सर। टोटल अमाउंट 10 लाख तुम लोन ही लोगे तो खुद क्या डालोगे? सर मैं मेहनत डालूंगा ना सर। संभल के भाई, ये तू मेरे ऊपर मत डाल देना। कुछ भी हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी मशीनों के आइडियाज हैं। 20 लाख वैल्यू वाली सिक्योरिटी जमा करो, तब फिर हम आगे बात करेंगे। सर मेरे पास सिर्फ आइडिया और मेहनत ही है सर। सर हमारे देश में इसी की तो कमी है। गन्ने के चूरे से करंट निकालना, कॉटन से चश्मे का फ्रेम बनाना, इस देश में आइडियाज की कमी नहीं है बेटे। तुम्हारी तरह मेहनत डाल रहे हैं, अचार डाल रहे हैं, ये सब बोल के यहाँ से बहुत सारे लोग भाग चुके हैं। सर इंटरनेशनल बैंक वाले लोन दे रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि अपने ही बैंक से ले लिया जाए। बस करो बेटे, इससे पहले भी बहुत सारे लोग यही बात बोलकर जा चुके हैं, अब तुम भी यहाँ से जाओ। किसी की बात पे नाराज नहीं होगा, नए नए आइडियाज इसके दिमाग में आते रहेंगे, हर नई सांस के साथ नई सोच। बाल के बिजनेस में 1 साल में 3 करोड़ का टर्नओवर, भरोसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? होता है सर, फर्स्ट क्वालिटी का 70,000 रुपए किलो में जाता है।
सर तो फिर ये 8000 किलो में जाता है, बताया होगा। हाँ सर। तू जो बाल यहाँ बेचने आया है ना, वो 45 रुपए किलो है। सर देखिए मजाक मत कीजिए, सर देखिए सभी के घर से 1000 रुपए किलो से उठाए हुए बाल हैं। सर सुन, तू जो 300 किलो यहाँ लेकर आया है ना, उसके 14000 ही मिलेंगे। सर 3 लाख रुपए डाले हैं। सर सर अच्छे से चेक कीजिए ना आप, कितनी लेंथ है देखिए। सर देख भाई, बाल चाहे जितना बड़ा हो, दाम वही रहेगा। बिजनेस का स्तर ऐसा है, प्यार का स्तर महिंद्रा अधिपति और शादी का स्तर सातवां अधिपति, ये दोनों साथ में खेलेंगे। इसका मतलब ये कुंडली वाला किसी से प्यार कर। हाँ बोल। अरे वो गाड़ी छीन के ले गया। हे, एग्जाम में हूँ, डिस्टर्ब मत कर। ए, मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ यार। तो थोड़ा साइड में खड़ा हो जा। सर सर प्लीज सर। फिलहाल तो इस कुंडली वाले का योग ऐसा बना हुआ है कि इसे बीच रास्ते में ही खड़ा रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कुंडली वाले के साथ जो भी रहेगा उसकी भी कुंडली खराब हो जाएगी और वो भी सड़क पे आ जाएगा। इन सब के लिए भी एग्जाम होती है क्या? हाँ, बहुत सारे फ्रॉड ज्योतिष भी होते हैं ना, उनको ढूंढने के लिए इस तरह के एग्जाम्स रखने पड़ते हैं। फंस गया होगा। ऐसा नहीं है, पूरे मन से अपना पूरा ज्ञान लगाकर तेरी कुंडली लिखी है मैंने। मेरी कुंडली लिखी है? किस लिए? तुम्हें जानता हूँ इसलिए। hey, हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए वो लोग तुम्हें कॉल करें। तुम्हारी लाइफ में जो जो हुआ वो सब उन्हें वैसे ही बता देना। अबे इसे पेशा बनाने वाला है। एक फोन आया। हाँ जी, आपके लिए कस्टमर आया जी। मैं फोन पे रहता हूँ, तू बात कर उससे। ओके जी। शुभ हो, शुभ हो। किसी और ज्योतिषी से आपने पहले कंसल्ट किया है क्या? नहीं स्वामी जी, पहली बार आया हूँ। जब मेरे एक पहचान वाले ने ज्योतिषी को दिखाया तो उसके लड़के की शादी हो गई। हो गई? हाँ, पर हमारे घर पे शादी का दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमने विचार किया ज्योतिषी को दिखाएंगे तो हमारे घर में भी शादी का योग बन जाएगा। शुभ हो। जिसकी शादी का दिन बढ़ रहा है उसे लेकर आते? जिसका शादी का दिन बढ़ रहा है वो मैं ही हूँ। शुभ हो। बहन जी, ये सब क्या है? जब इस बोर्ड को कोई देखता ही नहीं तो इस बोर्ड का क्या मतलब? एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहेगी बहन जी। जिस दिन ऐसा होगा साड़ी डालना बंद कर दूंगी। रियली? अरे चल भाग। तो अंदर चल, मैं आता हूँ। अब आप ज्योतिष जी महाराज के पास आ गए ना। गुड मॉर्निंग। आप किसी भी चीज के लिए फिक्र मत कीजिए, आपके मन के हिसाब से सब अच्छा ही होगा, सब ठीक होगा। धन्यवाद स्वामी। स्वामी मेरा नाम सोम सुंदरम है, मैं दूर गांव से आ रहा हूँ। सबके गले में हीरे का हार होता है, तुम्हारे गले में नहीं है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? स्वामी आप भगवान हैं। हार बरसेंगे, देवी माँ तेरे लिए हार बना रही है, चिंता मत कर। जैसी आज्ञा स्वामी। कभी कभी क्या तुम्हारे छत पे कौवा बैठता है? हाँ स्वामी। प्रॉब्लम तो है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले यहाँ चले आना, तुम्हारे शनि को भगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। स्वामी आपको तो पता ही होगा मेरी कुंडली में जन्म राशि में राहु दोष है, इसका कुछ हो सकता है क्या? इसे रोज एक एक खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी अरे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अब कुछ स्थानीय अल्फा कॉलिंग, अल्फा कॉलिंग, लैब टेस्ट अबाउट टू बिगिन, इंजन स्टार्ट, राइट लेफ्ट, इंक्रीज स्पीड 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, गर्ल्स, ट्रैफिक पुलिस, यस यस यस, लैब टेस्ट, ओके, ऑन रोड टेस्ट ड्राइव करेंगे तो प्रोजेक्ट सक्सेस। Yeah.
छोटे छोटे इंजन ऑफ लाइट्स ऑफ क्या हुआ जब भी मैं दुकान पे आती हूँ तो अंदर क्या करता रहता है मिक्सी रिपेयर के लिए दिया था क्या हुआ उसका एक्चुअली क्वाइल खराब हो गया इसका और कार्बन घिस जाने से स्टार्ट होने पर आरपीएम की स्पीड कम हो जाती सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ए भाई मिक्सी घूमेगी भी कि नहीं घूमेगी आप कल आ जाइए क्यों कल क्यों आऊं टमाटर की चटनी के लिए मेरा घर वाला मेरी जान खाए जा रहा है कोई चालू मिक्सर दे बाबा मुझे चटनी पीसनी है ओ भाई दोपहर में मसाला भी पिसवाना है कहीं चले मत जाना दुकान बंद करके ए तू साइंटिस्ट है तो इसका मतलब क्या सड़क पे ये पागलपंती करने की इजाजत नहीं है तुझे कौन सी गाड़ी है ये पक्का गाड़ी ही है ना सर इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड वॉइस कंट्रोल व्हीकल सो दैट्स व्हाई करेगा तो फाइन चार गुना ज्यादा कर दूंगा इसका इंश्योरेंस कराया है ना देयर इज नो नीड सर इट्स नॉट अ प्रोडक्शन व्हीकल गाड़ी का पूछ रहा हूं आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी सर अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रैफिक हाँ बोलो पापा को हमारे बारे में पता चल गया है तो क्या मुझे भूल जाओ ऐसा कहा होगा क्या ऐसा कहा होता तो ठीक होता तो फिर उसका नाम क्या बताया उसका नाम इलंगो है कितने सालों से जानती है दो सालों से जानती हूँ मम्मी को भी पता है ये मिस्टर इलंगो करते क्या है वाइन शॉप के बोतल से स्टिकर निकालना उसे साफ करना और उसके बाद बाहर ले जाकर उसे बेचना इस धंधे में डेली का पूरा 20,000 का प्रॉफिट है अनु हाँ? शेयर मार्केट में मैंने ये पूछा मिस्टर इलंगो करते क्या है जो आज नए इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए हैं उनका असर पड़ा है मार्केट पर डीएलएफ के 6 पॉइंट और एलएनटी के 200 पॉइंट नीचे गिरे हैं तो जिस भारी गिरावट की हम बात कर रहे थे निफ्टी के साथ वही हुआ है टोटल 200 पॉइंट नीचे इस भारी गिरावट की वजह से शेयर मार्केट कंसल्टेंट है वो गुड कल बुलाओ उसे बात करता हूँ पापा सिर्फ वो या आंटी को भी सिर्फ उसे बुलाओ और यहाँ नहीं ऑफिस में ए सब कहते हैं आगे बढ़ने के लिए उंगली पकड़ना तूने तो पूरा पहुँचा ही पकड़ लिया ए चलना तो ही जा मैं यहाँ वेट करता हूँ मैंने अब तक कोई काम पूरा नहीं किया है सही बोला लेकिन मेरी माँ भी कभी नहीं रोई यार इतना ही नहीं जिन जिन लोगों ने मुझे कर्जा दिया था उनकी आंखों में एक आंसू नहीं दिखा तूने नहीं देखा ये बोल लेकिन आज तो मेरी वजह से मेरी अनु बहुत रोई उसी का मुझे दुख हो रहा है यार सिर्फ लड़की के रोने पर तुम्हें दुख होता है ना तेरी वजह से आज तक मैं कितनी बार रो चुका हूँ कभी आंसू पोंछे हैं मेरे तुझे बुलाकर इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया उसने वो तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और वो रोई तो तुझे दुख हो रहा है करेक्ट अरे एक बात तो है मुझे ले जाकर उसने शर्मिंदा किया लेकिन अब तक उसने मुझे फोन करके सॉरी नहीं बोला फोन तो ऑन कर ले मुझे करेगी क्या चलो 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 इसके बाद मैं कुछ भी करूँ उसका बाप सुनने वाला नहीं है चलो चलो कुछ नहीं सुन भाई साहब चलिए बार बंद हो गया भाई जाते हैं भाई जाते हैं कल लवर्स डे है अकेले ही मनाना पड़ेगा अरे देखो मैंने तू कहाँ चला जाए कहीं भी चल यार बस चल भाई अभी चाहिए हाँ उसके बिना काम नहीं चलेगा मेरा मेरी बात समझो भाई ठीक अल्फा रिपोर्टिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑन कर रहा हूँ आई होप कि इस अटेम्प्ट में सब ठीक ठाक होगा इंजन स्टार्ट स्पीड 20 किलोमीटर स्पीड 40 किलोमीटर अल्फा रिपोर्टिंग वॉइस कमांड इज वर्किंग नॉर्मली लोकेशन ईस्ट 30 डिग्रीज अब तक परफेक्ट रेस्पॉन्स
मैंने फैसला कर लिया। क्या कर लिया? मेरे एम्स को थोड़ा लूज करने के लिए। वो क्यों, लूंगी है क्या जिससे लूज कर लोगे? बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। ठीक है, क्या करेगा फिर? मैं काम पे जाने वाला हूँ। ए, नशे में तो कुछ भी बोल सकते हो, सुबह होश में यही बात बोल के दिखाना। अरे सच बोल रहा हूँ, काम पे जाने का फैसला कर लिया है। हाँ तो एक काम कर, अभी के अभी अनु को फोन कर और यही बात उसे अभी बोल दे, क्योंकि कल सुबह तू बोलेगा मैंने ये बात कब कही थी। मुझे एविडेंस चाहिए। ओह, मेरे पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी अनु को फोन करके बोलता हूँ। अल्फा रिपोर्टिंग, इस टर्न में व्हीकल ने कमांड क्यों नहीं सुना मुझे नहीं पता। मुझे वॉइस चिप में प्रॉब्लम लग रही है। इमरजेंसी कंट्रोल अपने पास रखने के लिए व्हीकल को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। टेस्ट ड्राइव कंप्लीट बट फेलियर, ओवर। अरे बाप रे, अरे जा रही है, देख गाड़ी ढकेलना रे। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से ये सब हुआ। Really sorry about this. क्यों बॉस, चोट ज्यादा लगी क्या? It's okay. First try में success नहीं मिलती। Failure is the road to success. ऐसा आइंस्टाइन ने कहा है। ए, तूने मेरी चप्पल देखी क्या? मेरा नाम है मंगल परशुराम गिरधर पार्थसारथी। प्यार से मुझे बॉस कहते हैं। ओके बॉस, आपके कान से खून निकल रहा है, पूछ लो। ये कोई खास बात नहीं है। By the way, आपने नाम नहीं बताया। By the way, मैं पुनीत के रघुनंदन हूँ, ये मेरा दोस्त तिलंगा। Basically, I'm an electronics instrumentation engineer. Future के voice recognition vehicle पे research कर रहा हूँ। और इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं voice recognition system से चलने वाली एक vehicle है। अच्छा, यही वाली है? सही है। जबरदस्त बॉस, आप इस शहर के सबसे बड़े मैकेनिक हैं। मैकेनिक? यू नो, लास्ट मंथ मुझे इसरो से मिस कॉल आया। इसरो से मिस कॉल? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पूछोगे नहीं कि क्यों? वो साहब क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? गुड, नॉलेजेबल पीपल हमेशा शांत रहते हैं। कौन, ये? बट समटाइम्स बेवकूफ भी शांत रहने की कोशिश करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग फोन करेंगे तो शायद कोई पिकअप के लिए आ जाए। चुपचाप सो जाओ बॉस, सुबह होते ही हम खुद तुम्हें पिकअप ड्रॉप कर देंगे। अभी डिस्टर्ब मत करो। ओके। अनु, सो जा। अनु, 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 अनु। कहा नहीं है, लाइट ऑफ करो। हे, पुलिस आ रही है इधर, पुलिस आ रही है। हे, हे, उधर सामने देख। सोने दे यार, सुबह काम पे जा रहा है। अरे देख ना, वो बॉस, बॉस, बॉस वो देखो क्या है, देखो ना बॉस। This is really silicon wafer glass. अरे भाई उठना। अरे सोने दे रे। Hello sweetie, come on. Cute. क्या? बिल्ली है रे। ठीक से देख, कुत्ता है। कृपया ध्यान दें, अब ये डिवाइस अपने समय में लौटने के लिए तैयार हो रही है। आप चेक कर लें कि अपने समय में लौटने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4. Unbelievable. ये क्या है पता है? It's a chemical bomb. ये बम है. संभाल कर फट जाएगा. ये बम है. कितनी फिल्मों में हमने देखा है बम 50 रुपए के अलार्म क्लॉक में तार घुमा के बनाया जाता है. मुझे सिखा. उसने तुझे बोला था ना, तो काई को तू बड़े साहब की तरफ फेंक रहा है. क्या हो रहा है? क्या हो रही है? अरे बॉस बाहर निकलो, ये फटने वाला है. अरे बाहर निकलो बॉस. अरे ए, 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 कहां गया? अभी तो यही था. अचानक कहां गायब हो गया वैज्ञानिक पारसारथी? ए मत मत अल्फा अल्फा, तुम्हारा ओनर कहां है? जल्दी बताओ कहां है. अरे आखिर में वो अपने साथ था, ये कोई नहीं जानता. चल भागते हैं यहां से. अरे चल चलना यार. जितनी पी थी सब उतर गई. वो आ गया, वो तो वापस आ गया. कैसे आ गया? फ्रेंड्स इधर आओ. क्या चल रहा है यहाँ पे? आ जाओ आ जाओ. डरने की जरूरत नहीं है, ये टाइम ट्रेवल डिवाइस है. वो क्या है? इस मशीन को यूज करके हम लोग भूतकाल में जा सकते हैं. क्या बोल रहे हो? इंग्लिश पिक्चर की तरह लग रहा है. ये यहाँ कैसे आ गया? डिवाइस के टाइम के हिसाब से ये 2065 से आई हुई लग रही है, पर ये यहाँ क्यों आई ये नहीं पता. 2065? कुछ ऐसा बोलो कि समझ में आए बॉस. ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझोगे. मेरे पास आकर बैठो. अरे घबरा क्यों रहे हो? आ जाओ, कम ऑन. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आ जाओ बैठो. कहां आ गए? हे, अपनी गाड़ी कहाँ गई? हाँ यार, गाड़ी यहीं पर है. यहाँ कहाँ है? पर इस वक्त नहीं है, 2015 में है. अभी हम सब 2010 में है. किसी के पास कॉइन्स है? भाड़ा मांग रहा है क्या? ये मुझे नहीं चाहिए. वहाँ झाड़ी के पीछे छिपा कराओ. वहाँ पर? हाँ वहीं पर. ठीक है. हाँ जा. निशानी के लिए उसके ऊपर पत्थर रख दो. हो गया, वापस आ जाओ. ए, देख अपनी गाड़ी. हाँ यार, अब वो कॉइन वहां से निकालो. ए, ये तो वही कॉइन है. हाँ वही कॉइन, 5 सालों से मिट्टी में दबा हुआ था. इस डिवाइस को यहां ज्यादा देर नहीं रख सकते. इसे यहां से ले जाना होगा. टाइम ट्रेवल के बारे में बोल बोल कर समझाने से अच्छा है कि ये किताबें पढ़ लो. ये सब तो अपने को जमने वाला नहीं है बॉस. इसमें लिखा क्या है ये तो आप ही हमको बता दो. ओके. नाउ हम लोग अभी 2015 में है, राइट? हम लोग यहाँ से भूतकाल में ट्रेवल कर सकते हैं और भविष्यकाल में भी ट्रेवल कर सकते हैं. इसे कहते हैं टाइम ट्रेवल. समय में यात्रा करना ही टाइम मशीन का काम है. आई बात समझ में? तो हम लोगों ने कॉइन दफन किया था वो भी वैसा ही है ना? करेक्ट. हाँ, तो फिर ये मशीन रखकर हम लोग लाइफ में वही भूतकाल में जा सकते हैं ना? सिर्फ जा नहीं सकते, उसे बदल भी सकते. जबरदस्त बॉस. पर जैसा सोच रहे हो वैसा आसान नहीं है. अपनी आज की जिंदगी को हम एक नया रूप दे सकते हैं, और ये नया रूप अच्छा भी हो सकता है और हमारी कल्पना के विपरीत बहुत बुरा भी हो सकता है. मैं समझा नहीं बॉस, अपनी लाइफ अपने को ही पता नहीं रहेगी क्या? आओ बैठो. बैठ. कभी किसी से प्यार किया है? हाँ बॉस करता हूँ, वन साइडेड. मैंने इनसे पूछा. हाँ. पहली बार उनसे कहाँ पे मिले? पार्क में.
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप अपनी लवर से मिलने के लिए पार्क में जाते हैं लेकिन हम आपको मिलने का मौका ही नहीं देते। जब आप वर्तमान में लौटकर देखते हैं तो आपकी लवर आपको पहचान ही नहीं पाती। हाय अनु, हो सकता है कि उसकी किसी से शादी हो चुकी हो और उसके बच्चे भी हो। अभी एग्जांपल दोगे ना तो अपनी लवर पे देना। सॉरी, बस समझाने के लिए बोला। एक खास बात और है, जब हम फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त हम भी वहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। अगर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो जो पुरानी सोच उस वक्त हमारे दिमाग में होगी वही सोच रह जाएगी, बाकी सब सोच खत्म हो जाएगी। आप जैसे बोल रहे हो ये मशीन हम यूज ही नहीं कर सकते हैं क्या? बिना वजह यूज नहीं कर सकते। बॉस ये क्या है, खींचा तो हाथ में आ गया। कहाँ से निकाला इसे? यहाँ से। लाओ जरा इसे मुझे दो। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच पुनीत। ओके, इस पर मुझे कुछ रिसर्च करनी है तो तुम लोग जाओ। और हाँ, इस डिवाइस के बारे में किसी से कुछ मत कहना वरना सब लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। हम दिखने में पागल लगते हैं क्या? हाँ, हम तीनों ने ही तो इसे देखा है, अभी रिसर्च बिसर्च बोल के हमें यहाँ से भगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक साइंटिफिक डिवाइस है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हमें पता है कि ये क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि रिसर्च मत कर, लेकिन हमें क्या फायदा होगा? हाँ। फायदा? ये पैसे कमाने की चीज नहीं है। ये आप कैसे बोल सकते हो? पहले इसे एक हफ्ता रखकर क्या कर सकते हैं देखते हैं, उसके बाद आप इसका रिसर्च भी सर्च कर लेना। सही बोल रहा है। हाँ। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम आसानी से इससे पैसे कमा लोगे, बहुत रिस्की है ये। मैं एक प्लान सोच कर बताता हूँ, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, वेट करते हैं। अभी नहीं तो कभी, कल सुबह। लेकिन पैसा मिलते ही डिवाइस मुझे दे देना। ओके ओके। बॉस सुबह सुबह आ जाएंगे हम। चलते हैं। बाय, सी यू। ए अनु है यार। बोलो अनु। सॉरी यार। किस लिए? कन्हैया लाल का एनकाउंटर। अरे वो सब कुछ नहीं है, वो तो मैं कब का भूल गया। मैं जो बता रही हूँ तुम सिर्फ वही जॉब ज्वाइन करो, ओके? पापा को मैं समझा दूंगी। उन सब की जरूरत नहीं है, एक नंबर प्रोजेक्ट आया है मेरे पास, कल से अपना रेंज ही अलग हो जाएगा। पिए हुए हो? स्मेल आ रही है क्या? मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम वहाँ नशे में बेमतलब की बकवास किए जा रहे हो। फोन रखो। हेलो अनु, अनु। जल्दी चला। आराम से आराम से। अंदर ही होगा, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पार्थ सारथी। बॉस आप नहीं खुलते हैं क्या? धक्का दे खुल जाएगा। पार्थ सारथी, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पर परशुराम गिरधर पार्थ सारथी। हाँ। क्या नाम बोला? यहाँ पर एक मैकेनिक, पतला सा लंबा सा, वो पार्थ सारथी। ओ, जूस वाला। हाँ, कल रात को उसको बिजली का झटका लगा और उसको एम्बुलेंस में लेकर गए यहाँ से। झटका लगा? उसे कुछ बनाने के लिए दिया था क्या? मैंने उसे मिक्सी बनाने को दिया था, अब पता नहीं कब आकर बना कर देगा। लेकिन ये हुआ कैसे? कॉइल खराब हो गया था उसका। वो नहीं, उसे शॉक कैसे लगा? वो तो मुझे पता नहीं। अरे यार, अब क्या करें? बाप रे, बच गए। तू कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा?
जाके देख तेरी उम्र के लड़के क्या क्या करते हैं। इतनी देर पहले बोला था तुझे सामान लाने के लिए, लेकिन क्या हुआ नहीं लाया। बस दिन भर आवारा गर्दी करता रहेगा, कोई काम बोलो तो ये भूल जाता है। तेरे पापा हम एक महीना पीछे चल रहे हैं, तूने पहले क्यों नहीं देखा? आखिरी दम तक चल निकलते हैं यहां से। चल चल, वो तेरा दोस्त ज्योतिषी बनके गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। रुक रुक रुक, क्या हुआ? मैं उसे लेकर थोड़ी ही घूमता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तेरे काम पे जाने की रुकावट वही है। ये लो आ गया। जैसे ही पनीर मसाला बनाती हूँ पता नहीं कैसे आ जाता। अरे सॉरी यार, एक्चुअली हम लोग गलत टाइम पर आ गए। है कि कुआं देख लेना, एक दिन उसके खाने में जहर ही मिला दूंगी। तुझे झूठ लगता है ना, मैं करके दिखाऊंगी उसको ना, एक दिन मैं सच में जहर खिला के ही मानूंगी। यार खा के चले क्या? ए पुनीत आ जा, पनीर मसाला बनाया है खा ले। सब नहीं चाहिए, हम लोगों को काम है, चल रहे चलते हैं हम लोग। अरे खाना खाने में कितना समय लगता है, खा के जा। बोली अरे वो माँ तो ऐसे ही मजाक में कह रही थी। हाँ खाने में जहर मिलाना तुम्हारे लिए मजाक है? लेट होगा तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे लिए खाना रखूंगी। आना मत करना, शांति से खेलना। अरे रे दौड़ो मत, संभल कर। अरे सामान उमान मत तोड़ देना, आराम से खेलो। मामा आप भी लुका छिपी खेल रहे हैं? हाँ वही खेल रहे हैं। तू जा जा जाना। ए बाहरा। अरे चश्मा कहाँ ले जा रहा है? रुक दे, चल जा जा। चल अभी करेक्ट टाइम पे आ गए। तू ही दरवाजा खोल। खोलता हूँ। अब से होशियार रहेंगे अपन। ए पुनीत पनीर मसाला बना रही हूँ, खा के ही जाना। हाँ रहने दीजिए माँ जी, मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है। सोच रही होगी कैसे जान गया। मम्मी इसके पेट में अल्सर है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ए, ये क्या है? दे तो, मेरा ही चश्मा है, ये कहाँ से मिला तुझे? ये वहाँ अंदर था। लो एक महीने से पूरा घर छान डाला, मुझे नहीं मिला, तुझे कैसे मिल गया? अरे वो पुनीता चार्जी का कमाल है। हाँ। बहुत कठिन गणित का इस्तेमाल किया है। ए, तू तो गणित में हमेशा फेल होता था, तू कहाँ से गणित लगाने लगा? अरे माताजी ज्योतिषी के गणित में तो पास हो गया हूँ ना। ये ज्योतिष ज्योतिष का गणित मुझे मत सिखा, ये सारी फालतू गिरी छोड़ के ना किसी अच्छे काम में लग जाओ। दोनों कल से हम एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? चेन्नई में पहली बार अपने खोए हुए सामान का पता लगवाइए। कब और कहां खोया ये जानिए, मिनटों में अपना खोया सामान पाइए। विशेष विज्ञान ज्योतिषी और सिद्धि प्राप्त पुनीता आचार्य जी के द्वारा। रेडी? ओके 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 रेडी ओके चलो। हाय व्यूअर्स, आज सुबह सुबह यहाँ शहर में एक बहुत ही जबरदस्त पोस्टर हमें देखने को मिला। सारे ज्योतिषी बस इतना ही कहते हैं कि ऐसा होने वाला है या फिर वैसा होने वाला है, लेकिन पब्लिक में पोस्टर कोई नहीं लगाता। इन्हें देखकर लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम इन्हीं पर आधारित है। जी एक कस्टमर आ रहा है जी। आइए मैडम आइए। तो फिर आपका चैन नेल्सन मानिकन रोड पर कहीं गुम हो गया है, ठीक है ना? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कंफर्म कर रहा था बच्ची, जरा प्रतीक्षा कीजिए। ढूंढ कर लाने का वादा कीजिए तो मैं कितना भी वेट कर सकती हूँ। ये क्या कर रहा है यार? ए, वो एक नंबर की फ्रॉड है। मैं आपको एक सुपर प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ। अब मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ वो ज्योतिषी रहते हैं। उनसे मैं कहूँगी कि मेरी ये चेन गुम गई है। उसके बाद वो क्या करते हैं वो होगा क्लाइमैक्स। चेन
आपकी चेन का पता चल गया है? कहाँ है वो स्वामी जी? आपके हैंड बैग के फ्रंट पॉकेट में। इन्हें कैसे पता चला? डियर प्रियम टीवी के लिए पुनीताचार्य जी की पहली खोज पूरी हुई। इस साइंटिस्ट ज्योतिषी पुनीताचार्य जी की सच्चाई जानने के लिए आई हुई लड़की का चैन खो जाना दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है। सांप के बिल से भी चीजें ढूंढ निकालने वाले इस ज्योतिषी के लिए बगल के बैग से चीजें ढूंढ निकालना इतना मुश्किल नहीं है। ये एक लड़की के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए जिनकी खास चीजें वाकई में खो गई है, एक मजाक नहीं है। उन्हीं खोई हुई चीजों को ढूंढ निकालने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित पुनीताचार्य। अमेजिंग, हम कुछ और सोच कर आए थे लेकिन यहाँ कुछ और हो गया। हमें विश्वास हो गया है कि इनके पास जरूर कोई शक्ति है और वो शक्ति इनके इस लाल पत्री में है। ये साधारण पत्री नहीं है, पुनीताचार्य जी के हाथ से लिखी हुई एक बहुत खास यंत्र है। ये जगह कहाँ पर है भाई? अरे रो मत बहन, आंखें पोछो। तुम्हारी मार्कशीट कब और कहां खोई? भरोसा मत करो, ये लोग खुद सामान छुपाते हैं और फिर उन्हें ढूंढकर ले आते हैं। एक नंबर के फ्रॉड हैं। ए, चला गया से? ये सारे केस आप ढूंढ दीजिए ना स्वामी जी। नहीं, पुलिस केस का मैं कुछ नहीं कर सकता। जाइए स्वामी जी, मेरा सांप खो गया। स्वामी जी, I lost my passport. ए, इधर ला। ये पैसे कुछ ज्यादा लग रहे हैं। ले और ले ले। राम स्वामी, अरे राम स्वामी, ये ले। ए, इसे मारो क्यों तूने? वो मेरा गणित का टीचर है। बच्चा खो गया गुरुजी। आप जाइए सेंट टेरेसा आश्रम में। अपनी मर्जी से जीना ही मेरा एक मंत्र।